शपथ की शपथ ग्रहण करेंगे। वेंकैया नायडू राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देरवे उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति पद की शपथ से पहले ही वेंकैया नायडू राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शपथ ग्रहण के बाद वेंकैया नायडू संसद जाएंगे, राज्यसभा के सभापति के तौर पर मॉनसून सत्र के आखिर दिन का कामकाज भी संभालेंगे। राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही वेंकैया ने साफ कर दिया, सदन को ठप करने की आदत से सख्ती से निपटा जाएगा। हामिद अंसारी के बयान पर नायडू ने कहा, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है। संसद में अपनी विदाई के दिन हामिद अंसारी ने एक इंटरव्यू में कहा, देश के मुसलमानों में घबराहट और असुरक्षा का माहौल है। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मामले से जुड़े पक्षकारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। डोकलाम पर चीन का नया प्रोपोगंडा, अखबार पीपल्स डेली ने लिखा, भारत आग से खेल रहा है और वो इससे जल भी सकता है। चीनी अखबार ने लिखा, डोकलाम से अपनी सेना हटाए भारत, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बचने की हिदायत दी। भूटान ने चीन के दावे का खंडन किया, कहा सिक्किम सेक्टर में पड़ने वाला डोकलाम भूटान ने चीन का हिस्सा उसे नहीं माना। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार आज पहली बार पीएम मोदी से मिलेंगे, वेंकैया के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। लालू यादव ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर घोटाले का आरोप लगाया, कहा सृजन नाम की संस्था के जरिए पैसे की उगाही करते थे। जेडीयू से सस्पेंड हो सकते हैं शरद यादव, बीजेपी से गठबंधन पर जताया विरोध, 3 दिन की जनसंवाद यात्रा भी शुरू की। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, वेंकैया नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। जयराम रमेश के बाद मणिशंकर अय्यर ने पार्टी को नसीहत दे दी, कहा हकीकत से आंखें ना चुराएं, हमारे पास लोकसभा में सिर्फ 44 सीटें हैं। बक्सर के डीएम मुकेश पांडे का शव गाजियाबाद के रेलवे ट्रैक पर मिला, पुलिस को उनके बैग से सुइसाइड नोट भी मिला है। सुइसाइड नोट में आईएएस मुकेश पांडे ने लिखा, वो अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहे हैं और उनके मौत के बाद रिश्तेदारों को इसकी खबर दे दी जाए। वडोदरा में दो गुट के बीच तनाव के बाद हालात काबू में है, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। मांडवी पानी गेट इलाके में धार्मिक जुलूस पर पथराव से दो गुटों में हिंसा भड़क गई, उपद्रवियों ने कई दुकानें 50 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन की शुरुआत, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल काठमांडू पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, आर्टिकल 35A की कानूनी चुनौतियों पर चर्चा हुई है। आर्टिकल 35A को लेकर आज महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं। धार के एसडीएम ने मेधा पाटकर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, सरदार सरोवर को लेकर मेधा प्रदर्शन कर रही थी। तमिल संगठनों ने एआईएडीएम के नेता थंबी दुराई के साथ संसद में हुए बर्ताव पर नाराजगी जताई, थंबी दुराई को संसद में तमिल बोलने पर टोका गया था। टेरर फंडिंग में प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, 20 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। ईडी ने श्रीनगर में शेख आशिक अहमद के घर छापेमारी की, 3 ठिकानों में टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर भी शामिल हैं। दिल्ली में मोमोज खाकर करीब 25 लोग बीमार हुए, 2 बच्चों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया, मेहरौली थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई। शोलापुर पुलिस ने 14 साल के एक लड़के को ब्लू वेल गेम के सुइसाइड अटैक से बचा लिया, घर से भागे लड़के को ढूंढकर घर वालों के हवाले किया। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की जगह नॉमिनेटेड छात्रों को परिषद में शामिल होने पर छात्रों का गुस्सा भड़का, विरोध में प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एमबी वैली की नीलामी पर रोक से इनकार किया, सहारा ग्रुप की तरफ से याचिका दायर की गई थी। मुंबई में बीएमसी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाएगा, गीत को कंपलसरी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी बीएमसी ने दी। कानपुर में इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन बड़े हादसे से बाल बाल बची, उखड़ी हुई पटरी से ट्रेन गुजर गई, राहत की बात कोई हताहत नहीं। मिर्जापुर में कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए मिले फंड में घोटाला, आरटीआई से खुलासा, नक्सली इलाकों के विकास के लिए ये पैसे मिले थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण में टेंडर को लेकर 2 गुट भिड़ गए, 1 व्यक्ति घायल हुआ, हमलावर आरोपी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रदूषण से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हुई, कृषि वैज्ञानिकों की टीम जांच करने के लिए पहुंची। यूपी के इटावा में महिला ने टैक्सी ड्राइवर और उसके सहयोगी पर गैंग रेप का आरोप लगाया, एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए।
नाले से स्लैब हटाने को लेकर उत्तराखंड के दो मंत्रियों में ठन गई, दोनों के समर्थक आपस में भिड़े, मेयर मनोज गर्ग सहित 6 लोग घायल हुए। जालंधर में रेप के बाद 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हुई, आरोपी पीड़ित के घर के किराएदार। फिरोजपुर के अस्पताल में दवा लेने के लिए पहुंचे व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। तरन तारण में 4 बदमाशों ने जूलर को गोली मार दी, 48,000 रुपए छीन लिए, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। बठिंडा में एक किसान ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली, 46 साल के सिकंदर पर 2,00,000 का कर्ज था। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई, सतलुज का जल स्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूब गए। हरियाणा के जींद में 2 पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को डंडों से पीटा, वीडियो वायरल होने पर अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। जींद में सड़क किनारे जा रही छात्रा को गाड़ी ने टक्कर मार दी, टक्कर इतनी तेज थी कि लड़की करीब 20 फुट दूर जाकर गिरी। हरियाणा के रेसलर बबिता ने रांची के पहलवान विशाल की मौत पर दुख जताया, पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की। हरियाणा के मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी, पहले की सरकारों ने जनता के साथ न्याय नहीं किया। राजस्थान के कोटा में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। राजस्थान के जैसलमेर में ऑपरेशन मिलाप के जरिए 25 बाल मजदूरों को आजाद कराया गया, ये बच्चे बाल कल्याण समिति को सौंप दिए गए। राजस्थान के पाली में आग बुझाने जा रही 2 गाड़ियां रास्ते में खराब हुई, नगर पालिका से फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। बाड़मेर में 80,00,000 की चोरी के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी, 9 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपों को भेजा गया। राजस्थान के दौसा में 2 बाइक की भिड़ंत हुई, दोनों बाइक सवार की मौत, एक युवक जख्मी। राजस्थान के सिरोही में कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प, एक दूसरे से धक्का मुक्की के साथ नारेबाजी भी की। सूरत में एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, नक्सली गतिविधियों में शामिल होने का शक। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बीजेपी में गुटबाजी तेज हुई, अपने ही सहयोगी पर गंभीर आरोप लगाए, ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बीजेपी पार्षद के पति की पिटाई, हमलावर आरोपी फरार, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। ग्वालियर में सड़क हादसे में जख्मी बीएसएफ जवान की मौत, 4 दिन पहले बाइक से गिरकर घायल हुए थे। विदिशा में तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचल दिया, बाइक सवार की मौत हुई, पत्नी और बेटी की हालत गंभीर है। भोपाल में डॉक्टर के घर पर चोरों का हमला, 9,00,000 का सामान लेकर फरार हुए, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के रतलाम में पत्नी पर अपने ही बेटे की हत्या का आरोप है, पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश के जशपुर में कीड़े की दवा और फाइलेरिया की दवा खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए, स्कूल के टीचर फरार। मध्य प्रदेश के बेमित्रा में स्वास्थ्य विभाग की दवाएं खाने से 42 बच्चे बीमार हुए, सभी बच्चों की हालत स्थिर है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हुई, एक को बचा लिया गया, बाकी के शव बरामद। रायपुर में बेकाबू बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, एक युवक की मौत, दूसरा बुरी तरह से जख्मी। छत्तीसगढ़ के रायसेन में बंद पड़े पत्थर माइंस में नहाने के लिए गई 3 लड़कियां डूब गई, 3 के शव बरामद कर लिए गए। छत्तीसगढ़ के बालाघाट में आईटीआई के पास हुई चोरी का खुलासा, आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद किया गया। बिहार के कई जिलों में बारिश का हाई अलर्ट, आज पटना के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बिहार के कैमूर में प्रिंसिपल ने महिला टीचर की पिटाई की, प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप है। पटना में बारिश की वजह से NH 98 की सड़कें बदहाल, जाम में फंसे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। झारखंड के बाकुड़ में जंगली हाथी को वन विभाग के कर्मचारी पकड़ने में अब तक नाकाम है, 12 लोगों को मार चुका है जंगली हाथी। झारखंड में CNT और SPT बिल खारिज होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया, सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाया। शिमला में बाढ़ से हालात बिगड़े, कई गांव डूब गए, लोगों की परेशानी बढ़ी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल में 65 बेड का उद्घाटन किया, स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मा रेड्डी भी मौजूद थे। बूंदी में कजली तीज माता की शाही सवारी निकाली गई, आकर्षक झांकियों को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को एक बार फिर से चेतावनी दी, अपनी हरकतों से बाज आने के लिए कहा। अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स ने रक्का पर दबाव बढ़ाया, उत्तरी सीरिया के इलाके में अब भी IS के आतंकी मौजूद हैं। सीरिया सरकार पर मानवाधिकार संगठनों ने लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, रिहायशी इलाकों में 27 मिसाइलों के इस्तेमाल का दावा। पुर्तगाल के पोल्ट्री इंडस्ट्री में खतरनाक कीटनाशक का इस्तेमाल, 2 लोगों की गिरफ्तारी, 19 जगह पर रेप। वेनेजुएला में कुकिंग गैस की भारी किल्लत है, पाइपलाइन के जरिए सिर्फ 10% घर जहां गैस की सप्लाई हो रही है।
हंगरी में गर्मी का प्रकोप जारी है, तापमान 38 डिग्री के पार पहुंचा, लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। केनिया में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प, विपक्ष ने सरकार पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रीनलैंड के 150 किलोमीटर जंगल में आग फैली, नासा के मुताबिक आग 31 जुलाई को भड़की थी। रूस में हाई टाइड के बाद 13 मीटर लंबी वेल समंदर किनारे पहुंची, घायल वेल को इलाज के बाद पानी में वापस छोड़ दिया गया। लंदन के रग्बी क्लब के मेंबर्स का पानी में करतब, बारमुडा ट्रेनिंग कैंप में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कुंबले के कोच पद छोड़ने को सही ठहराया, कहा सही वक्त पर सही फैसला लिया। टीम इंडिया के ओलंपिक में हिस्सा लेने पर बीसीसीआई फैसला लेगी, टीम के हिस्सा लेने की संभावना कम है। अमेरिका में विश्व पुलिस गेम प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, भारत के देवेंद्र पहलवान ने दूसरा गोल्ड मेडल। टाइगर जिंदा है कि शूटिंग के दौरान फैंस से सलमान मिले, गर्लफ्रेंड उलिया भी अबू धाबी पहुंच गए।